वेलकम टू हेल्प टीवी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। कुछ बेसिक जो सर्किट एनालिसिस में सोर्सेज यूज होते हैं उनको हमने सीखा था, उनको अंडरस्टैंड किया था कि सर्किट एनालिसिस में उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आज हम कुछ फर्दर मूव करने लगे हैं सर्किट एनालिसिस में और हम सर्किट एनालिसिस की रिस्पेक्ट से देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। ओके, व्हाट आर द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स? एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स: रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को कैसे सॉल्व करेंगे और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको सर्किट में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर से। पैरेलल। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेजिस्टर को हम किस तरह से सीरीज में और पैरेलल में सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये रेजिस्टर हैं दो, R1 R2। हम इनको इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए। ओके, सो यहां से देखें, ये क्या हो गया V1 और V2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता। जो करंट यहां से इंटर करेगा वो यहां से लीव करेगा, सेम करंट, क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, जबकि सीरीज में वोल्टेज चेंज होते हैं। सो हम इसका सॉल्व करते हैं, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2। V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2। यहां पे इसको पुट करें, V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस V2 I2 R2 एंड V इज इक्वल टू I, हमारे पास सेम है तो R1 प्लस R2। सो R इक्वलेंट हमारे पास क्या आ गया, R1 प्लस R2। अगर सीरीज में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आप उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ओम्स लॉ को आसानी के साथ अप्लाई करने के लिए। ओके, ये थी कि सीरीज रेजिस्टर्स लगे हों तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों सर्किट के अंदर तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। I2, ये देखें, ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो यहां पे आप कैसे इसको सॉल्व करके R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसको हम ड्राइव करते हैं। सो सबसे पहले आपको मैंने ये बात बार बार बता रहा हूं कि सीरीज में करंट सेम रहता है जबकि पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा, I1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जबकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। इसको हम सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू I1 किसके इक्वल जाएगा, I1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा इसके, V1
आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल हो जाएगा वी टू आर टू, और यहां पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा आई किसके इक्वल हो जाएगा आई और आर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू। ओके, सो पैरेलल सर्किट्स में आर इक्वलेंट निकालने का हमारे पास ये फार्मूला है। हम इस तरह इसको यूज करके पैरेलल सर्किट्स में आर इक्वलेंट निकाल सकते हैं, और आर इक्वलेंट जब हमें निकल आया तो हम वी इज इक्वल टू आर इक्वलेंट मल्टीप्लाई बाय आई करके हम फाइंड कर सकते हैं। ये था कि सीरीज में हम किस तरह से सीरीज और पैरेलल में हम किस तरह से उसको फाइंड करेंगे। अब ये जो है I1 हमारे पास इक्वल होता है V1 ओवर R1, और I2 हमारे पास इक्वल होता है V2 ओवर R2। इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आप बस ये रिलेशन बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इंडक्टर को हम किस तरह से सर्किट एनालिसिस में सरल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। इंडक्टर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो इंडक्टर्स कनेक्ट हैं इन सीरीज, यहां पे क्या होगा प्लस माइनस वी वन प्लस माइनस वी टू, ये आपके करंट सेम रहेगा। फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि सीरीज में करंट सेम रहता है। ओके, सीरीज में करंट सेम रहता है तो हमारे पास क्या आता है V1 हमारे पास क्या हो जाएगा L1 d V1 और dt, और V2 इक्वल टू I1 और L2 d V2 डिवाइडेड बाय dt, जबकि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, ये हो जाएगा हमारे पास। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था सेम कॉन्सेप्ट यहां में भी यूज हो रहा है कि जो V है वो हो जाएगा V1 प्लस V2, और जब आप इसको यहां पे पुट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा रिलेशन L इक्वलेंट विल इक्वल टू L1 प्लस L2, सेम एज रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडक्टर को आप सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब सीखते हैं हम के इंडक्टर अगर पैरेलल में सर्किट के अंदर यूज कर रहे हो तो हम उनका कैसे इंडक्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हम निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये इंडक्टर कनेक्ट है इन पैरेलल, प्लस माइनस वी वन प्लस माइनस वी टू, यहां से आई इंटर कर रहा है और यहां से आई लीव कर रहा है। इसका सबसे पहले इनको सॉल्व करने का बेसिक जो है वो ये है कि हम इनका रिलेशन लिखते हैं। पैरेलल में करंट सेम नहीं रहते जबकि वोल्टेज सेम रहते हैं। सबसे पहले लिख लिया वोल्टेज सेम रहते हैं, वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी, फिर हमने लिख लिया करंट। पैरेलल में करंट चूंकि सेम नहीं रहते तो हम वो लिखेंगे करंट आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए आई वन और आई टू और आई। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। आई वन हमारे पास इक्वल होगा इंडक्टर के केस में, चूंकि हमने कहा था वन ओवर एल वन वी वन डी टी, और आई टू आ जाएगा एल टू वी टू डी टी। इसको जब आप यहां पे पुट करेंगे और आई आई हमारे पास इक्वल आ जाएगा वन ओवर
एल इक्वलेंट और वी डीटी। ओके, अब जब हम आई वन और आई टू और आई को यहां पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाता है, एल इक्वलेंट विल बी इक्वल टू वन ओवर एल वन प्लस वन ओवर एल टू। सेम एज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। चलिए अब हम सीख लेते हैं अबाउट कैपेसिटर, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। हम ये सीखेंगे कि कैपेसिटर को किस तरह से हम सीरीज में सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं। कैपेसिटर के बारे में, इंडक्टर के बारे में और रेजिस्टर के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि ये क्या होता है और इसके यूनिट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ये हमारे लिए कौन से इसके एप्लीकेशन हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, अब हम कैपेसिटर को जस्ट हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कैपेसिटर को सीरीज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और पैरेलल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि रेजिस्टर और जो इंडक्टर है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम सेम है, इसलिए उनकी उनका जो कम्बिनेशन है वो सेम है, लेकिन कैपेसिटर इन से कुछ डिफिकल्ट है, इसलिए इसको समझने के लिए आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। अब हम जस्ट ओके, मैंने आप क्या कहा था कि आपने सबसे पहले करंट और वोल्टेज के रिलेशन लिखने हैं, सो दैट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, क्योंकि हमने सिंपल लेके चलना है, हमने डिफिकल्ट नहीं बनाना। अगर आप एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताता हूं तो आपको सर्किट सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज और करंट के रिलेशन लिखने, आपको मैंने बताया था कि करंट सीरीज में सेम रहता है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई वन इक्वल टू आई टू, जबकि वोल्टेज सेम नहीं रहता था हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी वन और वी टू, हमने क्या फाइंड करना है, वी वी वन और वी टू, और इसके साथ हमें नहीं छेड़ना क्योंकि सीरीज में करंट को सेम होता है। तो अब हम देख लेते हैं वी 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 वन हमारे पास कैसे आएगा। वी वन सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है फॉर कैपेसिटर। ओके, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के वोल्टेजेस इंस्टेंटली चेंज नहीं होते बल्कि वो ग्रेजुअली चेंज करते हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया था, इंटीग्रेशन को। अब हम देखते हैं कि 1 ओवर C1 और V1 dt, V2 इक्वल टू 1 ओवर C2 V2 dt। ओके, ये कुछ रिलेशन आ गया जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम जब इसको यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन ओवर सी इक्वलेंट और वी डी टी इक्वल टू वन ओवर सी वन वी वन प्लस वन ओवर सी टू वी टू डी टी, और इसमें से हमने क्या किया, वन ओवर सी इक्वलेंट आ गया इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू, ये और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे जब हम इसको कॉमन लेंगे। ये आई वन है, सॉरी ये आई वन है, ये वी टू नहीं आई वन है, ये इसको आई वन, इसको आई वन और ये आई टू है। इसको जब हम, क्योंकि हमने कहा था कि आई वन इक्वल टू ये, जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई तो क्या रह गया, ये रह गया। इसको हम अभी इजिली सॉल्व करके सी इक्वलेंट निकाल सकते हैं, सी वन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। ओके, सी वन प्लस ये सी टू है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो लेकिन आपको बता देता हूँ, सी वन प्लस सी वन मल्टीप्लाई बाई सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, उम्मीद है आपने अभी तक लिख लिया होगा। तो हमने ये जो है, यहां पर भी वन ओवर एल इक्वलेंट आता है
और यहां पे ठीक है, ओके। सो अब हम देखेंगे कि पैरेलल में कैपेसिटर को कैसे सॉल्व करेंगे इन सर्किट एनालिसिस में, ओके। सो पैरेलल में हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये है, ये आई आ गया और ये आई आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस वी सी वन प्लस माइनस वी सी टू, ओके। अब सेम प्रोसीजर मैं आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स मेथड से यूज करके आपको नहीं अंडरस्टैंड करवाने को कहूंगा, बल्कि मैं बहुत ही सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ। सेम प्रोसीजर यूज करना है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इस प्रोसीजर को यूज करेंगे तो आपको किसी भी उसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि वोल्टेज और करंट की रिलेशन लिख दें, तो लिख दें पैरेलल में क्या होता है, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, जबकि वी इक्वल टू वी वन प्लस इक्वल टू वी टू, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट चेंज। तो इसी सेम मेथड जिस तरह हमने यूज किया था उसी मेथड को अगर आप यूज करें तो क्या बन जाता है, हमने क्या फाइंड करना है, आई वन और आई टू। आई वन आ जाता है हमारे पास सी वन डी वी वन ओवर डी टी, आई टू आ जाता है हमारे पास सी डी वी टू ओवर डी टी। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी वन ओवर सी इक्वलेंट हमारे पास आ जाता है, सी इक्वलेंट आ जाता है हमारे पास सी वन प्लस सी टू, ओके, सी वन प्लस सी टू, ये वन ओवर आर इक्वलेंट है, ओके, सी वन प्लस सी टू। सो आज हमने ये सीखा कि बेसिक जो सर्किट एलिमेंट्स हैं कैपेसिटर रेजिस्टर एंड इंडक्टर, उनको कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, ओके। उम्मीद है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ओके। आई थिंक मैंने बिल्कुल बेसिक से और बड़े ही ना लो लेवल और लो मिडिल और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रिपेयर किया था और बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, और उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी आपका कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड, थैंक यू।